हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेसिक सिविल नॉलेज साइड वीडियो में। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा है कि डबल ए सी ब्लॉक कैसे फिक्स किया जाता है, उसके अलाइनमेंट कैसे देखे जाते हैं, उसके लेवल कैसे देखे जाते हैं, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले तो डबल ए सी ब्लॉक को फिक्स करने से पहले मोर्टार बेस में अप्लाई किया जाता है ताकि एक दूसरे से चिपक के रहें, बॉन्डिंग बरबर रहे। सीमेंट मोर्टार बना के बेस लगाया जाता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ। सीमेंट मोर्टार पोस्ट कम से कम 10 mm चाहे 12 mm का पेस्ट लगाया जाता है। कहीं कहीं पे 1 inch का भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टेयरकेस के जस्ट साइड में ही ACC ब्लॉक लगाया जा रहा है और यहाँ पे एक मेसन जो है ACC ब्लॉक को फिक्स कर रहा है एक अलाइनमेंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्लम्बर यूज़ कर रहा है ताकि जो ब्लॉक है एक स्ट्रेट लाइन में रहे और हॉरिजॉन्टल में रहे, ताकि बाद में वो वर्टिकल इन फ्यूचर में वो इंक्लाइन और बेंड ना हो जाए। इसलिए हम प्लम्बर से मेजर करते हैं ताकि वो एक लेवल में रहे। जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो ये मेसन है वो अभी इस प्लम्बर को एज अ लाइन डोरी की तरह यूज़ करे, एज अ लाइन डोरी, ताकि जितने भी ब्लॉक्स है सब एक लाइन में ही रहे और स्ट्रेट लाइन में रहे, हॉरिजॉन्टल वे में। इधर उधर एक भी ब्लॉक साइड में नहीं होने चाहिए, इसलिए वो प्लम्बर के रस्सी को ही यूज़ कर रहा है एज अ सेंटर लाइन की तरह। ऐसा तब किया जाता है जब काम को फास्ट वे में किया जाए ताकि टाइम बचे। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो।